अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब कैरियर से होंगे। दोस्तों, अपने एमटी टेक्निकल पॉइंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो रूम की जो एक बोर्ड बनाते हैं उसको लगाने का तरीकाकार। ठीक हो गया कि ये तो कनेक्शन का आपको हमने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था। उस अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देते हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। ये कनेक्शन हो गए हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखें, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये बटन का एक एक पॉइंट कनेक्ट है और एक एक खाली रहता है। ठीक हो गया, ये इसका क्या सीन है कि डिमर की एक वायर लगी हुई है और एक बिल्कुल खाली रहती है, इसका क्या सीन है, इसको रूम में कैसे लगाना है, ये कनेक्शन कैसे लगाएंगे तो हमारा पंखा लाइट्स वगैरह ऑन होंगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये हमारी एक रूम्स की वायर है, एक दुकान की है, इसमें हम अपने बोर्ड लगाएंगे, उसका तरीका कार बताते चले। ये देखें, ये ब्लैक वाली हमारी ऑलरेडी न्यूट्रल है, ये ब्रेकर की तरफ फेस आया हुआ है, ये अलग वायर है, ये 729 की होती है, अलग होती है। ये जिसको टेप लगी हुई है, ये हमने पंखे की जो हाफ होती है उसको हमने अलग किया होता है, जो पंखे की तरफ से एक वायर आई होती है उसको हम कलर देख के या कोई और कलर की वायर डाल के उसको निशान हम ऐसे लगा लेते हैं कि वो डिमर में अलग से लगाना पड़ता है, नहीं तो चेक करके बाद में डिमर में लगा देते हैं। बाकी सब लाइट्स के ये सब लाइट्स की वायर्स हैं। ठीक हो गए, तो अब हम इनको बोर्ड में कैसे लगाते हैं वो आपको बताते चले। दोस्तों, ये हमारी शीट है, इसमें देखें एक न्यूट्रल वो है जो मेंस की तरफ से आया हुआ है और एक नीचे, अगर नीचे आपका लाइट प्लग लगा हुआ है, ये देखें हमारा नीचे लाइट प्लग लगा हुआ है। ठीक हो गया, उसकी वायर अगर न्यूट्रल फेस ऊपर आई हुई है तो वो भी न्यूट्रल फेस यहाँ पे आपने कनेक्ट करनी होगी। उसमें हमने क्या होता है, ये देखें ये हमारी न्यूट्रल्स हैं, एक मेन आई हुई है और नीचे एक नीचे की तरफ की गई, इनको उन दोनों को हमने जोड़ दिया है। जोड़ के अब हम इनको इसको लगा देते हैं कहाँ पे, न्यूट्रल हमेशा सॉकेट के जो पेयर्स होता है आपस में, जस्ट दो पॉइंट कनेक्ट, अगर दो लगेंगे, अगर सिंगल लगी हुई है तो एक जो खाली होती है जगह वहाँ पे लगाना पड़ता है, न्यूट्रल सिर्फ सॉकेट में लगता है। उसके बाद ये न्यूट्रल लगाने के बाद हमने ये देखें कि ब्रेकर की तरफ से मेन आई हुई है, मेन फेस, इसको हम लगा देते हैं। इसको हमने कहाँ पे लगाना है, इसको हमने ये जो स्विच के सारे एक एक करके पॉइंट सारे जो लूपिंग हुई हुई है जहाँ पर ये वायर पड़ी हुई है उसमें किसी एक जगह पे हमने उस फेस को लगा देना है, किसी एक जगह पे। फेस को हमने जहाँ पे सारे पॉइंट्स कॉमन किए हुए वहाँ पे किसी एक जगह पे लगा देना है। और इसके अलावा अब हर जगह पे आपका यहाँ पे फेस आ गया है, और फॉर एग्जांपल जैसे आपका मैंने आपको बताया था कि नीचे लाइट प्लग लगा हुआ है, लाइट प्लग के लिए आपने इसको मेन देनी है, तो आप बेशक उधर जॉइंट कर लें, जॉइंट करके फिर लगा दें, या फिर इसी तरह जहाँ पर एक ये एक पॉइंट में ये लगाया है, किसी और पॉइंट में जहाँ पर वायर पड़ी हुई उसके साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं एक और बटन के साथ इसको अटैच कर देता हूं, उसके बाद ये हमारी बचती है पंखे की तरफ से जो वायर आई हुई है, हमने इसको क्या करना है, ये डिमर की एक वायर लगी हुई है स्विच पे और दूसरी खाली है, हम इसको इसके साथ जॉइंट कर देते हैं, जॉइंट करके इसको टेप कर देनी है। जी, इसको इसके साथ ऐसे जॉइंट करना है,
और इसको ऐसे इसके साथ टेप कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास बच जाती हैं ये वायर्स, चार वायर्स बच जाती हैं जो लाइट्स की हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास देखें, आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा, ये लूप हुआ हुआ है जहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन दी हुई, ये खाली है ब्रिज। हम क्या करेंगे, एक एक बटन के, इस बटन का ये खाली है जहाँ पे हमने एक ये वाली वायर लगा देनी है जहाँ पे खाली है, ठीक हो गया। दूसरे स्विच की ये वाली खाली है, हम यहाँ पे दूसरी लाइट लगा देंगे। ये तीसरे स्विच की ये वाली खाली है, अब हम यहाँ पे इसको ये वाली लगा देंगे। और एक ये आपकी बचती थी वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है और इसको टाइट कर दी है। अब उसके बाद ये दोस्तों हम दोबारा शीट को अपनी जगह पे लगा देते हैं, इसके स्क्रू होते हैं, स्क्रू लगा देते हैं। उससे पहले हम इसके ब्रेकर को ऑन करके हम इसकी चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। आप ये डिमर के साथ बटन भी था, बटन ऑन करेंगे, डिमर ऑन करेंगे तो आपका पंखा चल पड़ेगा। और उसके बाद ये ऑन करेंगे स्विच तो लाइट, ये भी लाइट की है, ये भी लाइट की है, ठीक हो गया। ये ऑन करेंगे तो लाइट्स चल पड़ेंगी। ये आपकी सॉकेट के साथ ऊपर इस बटन, ये सॉकेट इस बटन के साथ है और ये इसके साथ है। तो हम क्या करते हैं, ये आपको चेक करवा देते हैं। ये देखें, ये ऑन किया, इसमें ये फेस आ गया, ये ऑफ किया, ये फेस आउट हो गया। इसमें ये देखें, ये फेस, ये ठीक हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फी अमान।